हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चराग हवाओं में भी जलते रहे। मैं शायर तो नहीं लेकिन हाँ मैं जादूगर हूँ, ये लाइनें हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की, जिनके बारे में आज के दिन हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज हम जिक्र करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री की उन तमाम ताकतों का जिसका सामना अब बीजेपी करने वाली है। आज के दिन न्यूज इंडिया राजस्थान के बारे में बात करेगा। हाँ, वही राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के मामले में तो भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां की सियासत भी इस समय बहुत ज्यादा उथल पुथल में दिखाई दे रही है। चाहे हम बात करें सचिन पायलट की, जिन्होंने तमाम चिंताएं बढ़ा दी हैं अशोक गहलोत की, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अशोक गहलोत का सामना करना इतना आसान नहीं है किसी भी दिग्गज नेता के लिए। चाहे हम बात करें उनके 10 के दम वाली योजनाओं की या फिर 19 जिलों के प्रस्ताव की या फिर कई ऐसे मुद्दे जो राजस्थान में क्रांति ला चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मैं अशोक गहलोत की इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री मोदी जी पर रोक लगा देनी चाहिए कैंपेन करने के लिए। कोई धार्मिक हिसाब से बात करेगा इलेक्शन के अंदर धर्म के नाम पर रोक लगती है उसके ऊपर, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए कि वो कैंपेन नहीं करे वहाँ पर। साल 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान शरणार्थी शिविरों में सेवा की शुरुआत के बाद अशोक गहलोत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार सांसद, 5 बार विधायक और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है। जादूगर पिता से अशोक गहलोत को जादू की कला विरासत में मिली थी, जिसका राजनीति की पिच पर उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। वे अब तक 5 बार सांसद और 5 बार विधायक चुने गए। उन्होंने 3 दफा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान भी संभाली है। अशोक गहलोत जितने अच्छे कुशल प्रशासक हैं, उतने ही संगठन पर पैनी नजर भी रखते हैं। पार्टी में जब जब संकट का समय आया, वे और भी ज्यादा मजबूत होकर उभर कर सामने आए। राजस्थान के प्रति उनका समर्पण इस बात से जाहिर होता है, जब उन्हें आलाकमान ने पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए, उन्होंने आलाकमान के खिलाफ भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत जितने सहज हैं, उतने ही आक्रामक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। एक तरफ जहां दूसरे दल के लोगों को पूरा सम्मान देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में उठने वाली हर आवाज को दबा देते हैं। बीते 2 दशक में उनकी गिनती राजस्थान के सबसे बड़े नेता के तौर पर की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो क्या राजस्थान में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी अब, क्योंकि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, जिन्होंने कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया, कर्नाटक में तो कमाल वो कर गई यात्रा, लेकिन अब बारी है राजस्थान की। आज के दिन हमारे साथ पैनल में कई सारे मेहमान होंगे, जिससे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी समीकरणों को लेकर, और बात ये भी करेंगे कि क्या गहलोत के उन योजनाओं की कोई काट है क्या बीजेपी के पास, जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेगी। सुनील जी होंगे हमारे न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर और राजस्थान के सियासी मामलों के जानकार भी बहुत बेहतर हैं, जो आज के दिन बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी योजनाएं बेहतर हैं। आसिफ जी होंगे कांग्रेस की तरफ से, कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान में बीजेपी क्या काम करेगी और कैसे सत्ता में वापसी करेगी। तो चलिए सबसे पहले लेकिन आपको दिखाते हैं कि वो 10 का दम क्या है अशोक गहलोत का, जिस कदम पर अब ये कहा जा रहा है कि गहलोत सत्ता में वापसी कर सकते हैं। कई ऐसी योजनाएं जो ग्राउंड पर भी देखिए बहुत बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सस्ता गैस सिलेंडर योजना, इस महंगाई के दौर में कांग्रेस ने ये योजना इसीलिए लाई ताकि कैसे बीजेपी को राजस्थान में घेरा जाए। वहीं आगे अगर हम बात करें, देखिए इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री सस्ता गैस सिलेंडर योजना और भी कई ऐसे यहाँ पर वादे जो आप पूरे करना चाह रही है कांग्रेस राजस्थान में। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू, कहा यह गया कि दिल्ली की तर्ज पर यह राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ निःशुल्क बिजली के बाद निःशुल्क बिजली योजना, कृषि यानी कि किसानों के लिए भी कैसे फ्री में बिजली पहुंचाई जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया गया, मतलब कि किसानों को भी साधने पर पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कैसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, क्योंकि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा
बुरी थी जो कि कहा जा रहा है कि अब बेहतर हो चली है। इसके साथ ही साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसके तहत लोगों को खाने का पैकेट मिल रहा है, लोगों तक भोजन राशन पहुंच पा रहा है। और 10 के दम में अगर हम बात करें छठे उस पॉइंट की, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कैसे गांव के लोगों को रोजगार मिले, कैसे वो भी दो वक्त की रोटी अपने दम पर कमाए, इस तरफ भी कांग्रेस ने बेहतर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये भी लोगों के लिए बहुत कामगर साबित हुई है राजस्थान में। लेकिन मुख्यमंत्री की ये तमाम योजनाएं राजस्थान में रंग तो ला रही है, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना जिसका जिक्र हम करेंगे आगे, चर्चा भी अब करेंगे, लेकिन इन योजनाओं के दम पर कांग्रेस कितना बेहतर करेगी राजस्थान में, इस बात की जानकारी आपको देंगे सुनील जी। इस समय पर जो अशोक गहलोत आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो अशोक गहलोत हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को बदलाव किया है। इतने आक्रामक अशोक गहलोत पहले कभी नजर नहीं आए। पिछले 2 साल में जिस तरह से उन्होंने पूरा अपने आप को इलेक्शन मोड में ढाल दिया है और ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं, वो एक अशोक गहलोत हैं जिन्होंने राजनीति जैसे जैसे बदली है उस तरीके से अपने आप को बदला है। अशोक गहलोत का इस समय की, मैं आपको इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की राजनीति की दशा और दिशा क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 से 20 दिन के अंदर 3 ऐसी यात्राएं हुई हैं जो यात्राएं इस राजनीति की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। मैं सबसे पहले यात्रा की बात तो करूंगा, मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ यात्राएं कि वो हर महंगाई कैंप में जा रहे हैं, हर महंगाई राहत कैंप में जा रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाकर लोगों को जादू की झप्पी दे सके, लोगों से पूछ सके कि क्या उनकी पेंशन शुरू हुई है, क्या उनकी और चीज़ें शुरू हुई हैं। इसके अलावा दूसरी यात्रा की बात करता हूं तो वो यात्रा है सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा, जो कि अजमेर से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने 30-31 तारीख तक का उन्हें समय दिया, परंतु अगर ये यात्रा सफल होती है या असफल होती है ये भी तय करेगा कि आगे भारत राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन तीसरी यात्रा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर कि मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो यात्रा वो है जो खाचरियावास से खाटू श्याम जी मंदिर तक बीजेपी की यात्रा थी, जिसमें एक ही विमान में नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़ और सीपी जोशी थे। अगर ये यात्रा भी सफल हो जाती है, जो कि आलाकमान का एक निर्देश था कि आपको एकजुटता दिखानी है, अगर ये लोग भी एकजुट होकर चल देते हैं तो वाकई में ये भी एक परिवर्तन वाली बात होगी। कौन सी यात्रा इसमें कितनी सफल होती है ये वक्त बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि चुनाव में अभी बहुत ज़्यादा समय है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत इस समय महंगाई राहत कैंप के जरिए, अपने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए काफ़ी आगे निकल चुके हैं और उनके विरोधियों को उनके पीछे भागने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर भाजपा को महंगाई राहत कैंप का जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए आशीष जी, देखिए एक तरफ कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर भी है राजस्थान में और तमाम बेहतर योजनाओं के दम पर कांग्रेस कह रही है सत्ता में वापसी भी हम करेंगे, दोनों का काट कैसे निकालेंगे सर? क्योंकि काट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है जनता के लिए, तो इसलिए हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं लागू की, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर महंगाई थोपी और हमारे अशोक गहलोत जी ने वहाँ पे लोगों को राहत दी, गरीबों को जो सिलेंडर आज 500 रुपये का मिल रहा है वो आज हम दिल्ली में 1150 खरीद रहे हैं, यही सिलेंडर हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, सब जगह गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ कांग्रेस हर तरीके से गरीब आदमी को राहत देना चाह रही है और दे रही है। इसी तरीके से हेल्थ पे हमारी सरकार बहुत काम कर रही है जे। तो हम अपने काम पे सत्ता में वापस आएंगे, ना कि भाजपा के प्रोपगंडे के थ्रू। जिस तरीके से भाजपा के अंदर गुटबाजी सबके सामने नजर आ रही है, कल किस तरीके से आनंद फानन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने मंत्रालय चेंज किया, अर्जुन मेघवाल जी को आगे लेके आए, वसुंधरा जी को पीछे किया, ये सामने है। ऐसा महसूस होता है अर्जुन मेघवाल जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर। तो ये भाजपा की जो गुटबाजी है ये सबके सामने है। और अभी हमने देखा था जब वसुंधरा जी अपना जन्मदिन मना रही थी, भाजपा अपना रैली कर रही थी, तो तमाम नेता भाजपा के अध्यक्ष को छोड़कर वसुंधरा जी के यहाँ पहुँचे थे। ये गुटबाजी सबके सामने है और हमारे यहाँ जो आपसी नाराजगी है उसको संगठन बैठ के दूर करेगा और ये जल्दी दूर होगी। दोनों हमारे नेता अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी साथ मिल के आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने कर्नाटक के अंदर फतेह हासिल की है, इसी तरीके राजस्थान के अंदर हम दोबारा फतेह हासिल करेंगे और पहले से ज्यादा सीटों पे जीत करेंगे। चलिए अगर आज के दिन अशोक गहलोत की बात हम कर ही रहे हैं तो उनके सियासी सफर के बारे में भी जान लें, क्योंकि बहुत दिलचस्प रहा है। कितनी बार वो सांसद बने, कितनी बार वो विधायक बने, क्योंकि 3 मई 1971 को राजस्थान के जोधपुर में अशोक गहलोत का जन्म हुआ। उसके बाद इनके पिता जो है जादूगर थे,
और इन्होंने जादू की कला उनसे सीखकर कैसे राजनीति में जादू किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ इनका विवाह हुआ। एक एक सीढ़ियां किस तरह से देखिए चढ़ते चले गए दो बच्चे वैभव गहलोत और सोनिया गहलोत। अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस तरह से काम किया कदम पर लगातार आगे चलते गए उनके साथ। वही अगर हम जिक्र करें तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में समाज सेवा इन्होंने की थी, वहां से इन्होंने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। फिर इसके बाद अगर हम जिक्र करें 1973 से 1979 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अशोक गहलोत। देखिए इसके बाद अगर हम जिक्र करें इसमें तो 1977 में 26 साल की उम्र में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि सांसद विधायक लगातार ये बनते चले गए और इसीलिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। सरदारपुरा सीट से पहले चुनाव में इनको हार मिली थी लेकिन उसके बाद ये जीत प्राप्त करते चले गए, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सियासी सफर की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए बहुत दिलचस्प किस तरह से जीत प्राप्त करते चले गए। लेकिन अशोक गहलोत खुद को ही जादूगर कहते हैं कि राजस्थान का मैं जादूगर हूं, ऐसा क्यों? देखिए उनका जो एक्सपीरियंस है उनका जो अनुभव है 3 बार केंद्रीय मंत्री 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार थोड़े से समय के लिए राजस्थान में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो अपना पूरा जितना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को इस समय पर पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ वो ये चाहते हैं कि इस बार मैं किसी भी तरह से सत्ता में रिपीट करूं। वो बहुत सारे दाग हैं उन पे इस तरह के कि अशोक गहलोत दोबारा सत्ता में वापस लौट के नहीं आते, रिपीट नहीं होते, उन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं और दूर करने के लिए वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी वर्ग की वो छोड़ना नहीं चाह रहे, वो हर वर्ग पे बात करना चाहते हैं। अगर आप इन 10 योजनाओं की बात करें तो 10 योजनाएँ वाकई में इतनी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। अगर आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं 25 लाख का बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, अगर एक आम आदमी 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा करवाने जाता है तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जो कि राजस्थान के आम जन को निशुल्क मिल रहा है। इसी प्रकार से किसानों की बात करें तो किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने बीमा दिया है, पशुधन बीमा दिया है, कामधेनु बीमा योजना दी है, वो उससे भी महंगाई में बहुत सारी राहत मिल रही है। तो आज इस समय पर अशोक गहलोत अपने पूरे एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर की लड़ाई हो चाहे पार्टी के बाहर की लड़ाई हो, हर मोर्चे पर अशोक गहलोत पास हुए हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, इसकी काट हमारे पास आ सकती है। बीजेपी की काट अभी हमने देखी थी किस तरीके से प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के वोट मांग रहे थे, उनके पास सिर्फ एक ही चीज आती है, इसके अलावा हम कर्नाटक और राजस्थान की तुलना पे की मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी काट को बता रहा हूँ कि काट क्या। हमने ये चीज हिमाचल में देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, किस तरीके से एक ही तरीके से वोट मांगा उन्होंने, वो काट अब उनकी चलने की नहीं है। किस तरीके जनता की जरूरत है, वो जरूरत पे जनता काम कर, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जनता को कांग्रेस ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, 9 साल में प्रधानमंत्री उसको लूटने की कोशिश की, उन लूटने का नतीजा है कि किस तरीके से आज हम पेट्रोल कहां पे खड़े होकर खरीद रहे हैं, क्या हाल है पेट्रोल का। लेकिन ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हिमाचल और कर्नाटक हमने देख लिया सर, राज बदल गया, रिवाज बरकरार है। जी यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि रिवाज इस समय पर जो बात है वो जनता के हाथ में है और जनता अगर अपने रिवाज पे कायम रहती है तो राज बहुत मुश्किल है। नहीं, राज तो बहुत मुश्किल रहा है जैसे परिवर्तन रहा है, लेकिन हमने जो काम किया है जी, हम उस काम पे वोट मांग रहे हैं जनता से, जिस तरीके से हम जनता को राहत दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग बैठे हुए सेंटर में लोगों से खून चूस रहे हैं, किस तरीके से आज हम 30% तेल सस्ता रशिया से खरीद रहे हैं, यूक्रेन युद्ध का फायदा हमारी हुकूमत दुनिया में उठा रही है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं, और वो 30% सस्ता तेल खरीद के वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम, कौन सी योजना में लग रहा है किसी को नहीं मालूम। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर परिवर्तन होगा, 100 स्मार्ट सिटियां बनेंगी, वो 100 स्मार्ट सिटी के रूप में हमें हिंदुस्तान में कहीं नजर नहीं आई, नजर आई तो भाजपा के कार्यालय नजर आए जो 5-star होटल के रूप में सबके सामने है। सर, दिल्ली के अंदर जाइए, स्मार्ट बन गई है तो बताइए। राजस्थान के अंदर हमने जब गरीबों के लिए काम किया तो पैसा गरीबों के ऊपर भी खर्च होगा, ना कि महल शाही में खर्च होगा, 5-star होटल में खर्च होगा। जनता के लिए हमारी सरकार पैसा खर्च कर रही है, जनता हमारे लिए सौप्रिय है, हमारे लिए उद्योगपति सब कुछ नहीं है, उद्योगपति देश के लिए जरूरत है लेकिन जनता के बिना कुछ नहीं है। जनता को आप बोल रहे हैं कि हमने जनता के लिए काम किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, परंतु आप ही की पार्टी के मंत्री जो कि इस समय पर मंत्रालय संभाल रहे हैं वही कह रहे हैं, एक सचिन पायलट की जो अंतिम जो वो थी जनसंघर्ष यात्रा का अंतिम दिन था उस दिन 2 मंत्री वहां पे 10 विधायक मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है? आप भले ही कितना भी काम कर दीजिए परंतु कुनबे का जो कलह है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। नहीं देखो, आपसी घर की लड़ाई हमेशा नुकसान पहुंचाती है जी, और दूसरे उसका फायदा पहुंचाती है, ये तो हर जगह परिवार में सब जगह होता है। हमारी पार्टी के लीडरों की, तमाम लोगों की,
खास तौर पे गहलोत जी और सचिन पायलट जी की कोशिश होगी इनको आपस में लाने की, किस तरीके से एक मंच पे आएं और इस राज्य को परिवार की तरह चलाएं और जो थोड़ी बहुत नाराजगियां हैं उनको दूर करें और जनता के लिए काम करें। पर 31 तारीख तक का जो उन्होंने टाइम दिया है और जो तीन शर्तें दी हैं वो किसी भी हालत में मानी नहीं जा सकती। देखिए जी, वक्त तो पता नहीं कितनी बार किसको दिया जाता है जी, अभी वक्त लगेगा, चुनाव बहुत वक्त है, चुनाव आने से पहले तमाम जो समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सुनील जी, अगर हम देखें 40 ऐसे वहाँ पर सीटें हैं राजस्थान में जहाँ पर मुस्लिम बहुली सीटें हैं, बहुत ज़्यादा दबदबा वहाँ पर मुस्लिमों का है, ओवैसी साहब अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 40 सीटें जो आदिवासियों के पाले में रहती, कहा जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक है जी, वहाँ पर भी देखिए बीजेपी की पूरी नज़र है जी, वहाँ पर क्या गहलोत साहब करेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है, राजस्थान की राजनीति को समझना इसीलिए बहुत कठिन है, कहा जाता है कि राजस्थान में पानी गहरा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ के मतदाता भी बहुत गहरे हैं, था नहीं लगने देते और हर बार ओवैसी जी जाते हैं, हर बार वहाँ पे जाकर कोशिश करते हैं अपना स्थान बनाने की, परंतु कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना कोई तीसरे मोर्चे का फर्क पड़ता है, ना किसी और का फर्क पड़ता है। और असल में राजस्थान में दो पार्टियाँ ही हैं जो कि आगे हो रही हैं। हाँ, अगर जनसंघर्ष यात्रा जनसंघर्ष पार्टी में तब्दील हो जाए तो फिर बात अलग हो सकती है, उसके लिए भी हमें 11 जून का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट अपना कोई भी फैसला 11 जून पे लगी बीजेपी की जन आक्रोश रैली पूरी फेल रही है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, अगर आज आप महंगाई राहत कैंप की भीड़ को देखते हो, चिलचिलाती गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय हो रहा है और वहाँ पर गांव वाले अगर महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए बहुत खुशी का समय है कि उन्हें लग रहा है कि हाँ, वो अपने मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। मैं जिन सीटों की बात कर रहा हूँ आसिफ जी, वहाँ के लिए कांग्रेस ने क्या कोई रणनीतियाँ बनाई हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर हम उतर कर चुनावी मैदान में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में देखा जाता है कि कांग्रेस का रवैया थोड़ा ढीला पड़ जाता है। कर्नाटक तो आप जीत गए, और मैं कह रहा हूँ कि हिंदी भाषी राज्य नहीं, इसलिए आप लोगों को सफलता मिली है, वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा भी बेहतर रहा अन्य राज्यों से। अगर हमारा ढीलापन महसूस होता तो अशोक गहलोत जी जो यात्राएं कर रहे हैं, जो अपनी काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से चुनाव में बीजेपी की यात्राओं को आप दरकिनार कर रहे हैं सर, अगली पार्टी को आप छोटा मत समझिए। हम बीजेपी को किसी भी एंगल से छोटा नहीं मानते, वो क्योंकि हर तरीके से प्रकटन जाती है किस तरीके से माहौल खराब करना है, किस तरीके से चुनाव को बना, किस तरीके से लोगों की भावनाओं से खेलना है, ये हम अच्छी तरह बीजेपी से वाकिफ है। उनकी नीति क्या है, हमने 9 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी उनकी नीतियाँ देखी है, किस तरीके से उन्होंने लोगों का माहौल खराब किया है, किस तरीके के चैनल पे आके झूठे बयान चलाते हैं और क्या बोलते हैं। रही आपने ओवैसी जी का जिक्र किया, अभी 40 सीटों पर सर डालेंगे उनका, सर सबके सामने किस तरीके से भाजपा को कोट करते हैं, वो उससे अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देश की जनता जान चुकी है कि दोनों आपस में मिलके किस तरीके से जनता को बरगलाते हैं। सर अंत में अगर ये सब चीजें वोट में कन्वर्ट हो जाती है, वोट में तब्दील हो जाती है, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं बचता ना। ऐसी ठीक है, देखिए अगर हम जादूगर के जलवे की बात हम कर रहे हैं राजस्थान में, तो उसके पहले आपको ये भी जानना होगा कि बीजेपी ने उस जादूगर के सामने कौन सी ऐसी रणनीतियां तैयार की हैं जो फीकी पड़ने वाली हैं। क्योंकि अगर देखें इस समय हम तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस तो बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी का ये कहना कि सत्ता में वापसी हम करेंगे हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर, यहाँ पर भी राज बदलेगा, रिवाज बरकरार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर सवाल होंगे बीजेपी से।